आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से काफी सारे अपडेट बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो सारी बड़ी खबरें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि एमआई की टीम की ओर से निकल कर आ रही है। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2023 का सीजन, तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से वीडियो हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें 19 सितंबर के दिन मिनी आईपीएल का ऑक्शन होते हुए दिखने वाला है, और अगर आप लोगों को भी वो ऑक्शन बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल के ऊपर देखना है तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आसानी से मिलने वाली है, और अगर वो लिंक काम नहीं करती है तो आपको टेलीग्राम पर जाना है और सर्च कर लेना ऑल ऑन क्रिकेट, वहाँ पर आपको हम मिल जाएंगे। तो आप जरूर से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो मिनी आईपीएल का ऑक्शन होने वाला है 19 सितंबर के दिन उसे टेलीकास्ट करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की, या फिर कह ले पहले बड़े अपडेट की जो कि एमआई की टीम की ओर से निकल कर आ रहा है। ये बड़ा अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाड़ी जॉफ्रे आर्चर की तरफ से निकल कर आया। दरअसल दोस्तों जॉफ्रे आर्चर आईपीएल 2023 का सीजन खेलेंगे या फिर नहीं, इस पर अभी फाइनल अपडेट नहीं आया है। लेकिन जॉफ्रे आर्चर ने अपना जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट था उस पर कल के दिन जॉफ्रे आर्चर ने कुछ स्टोरी पोस्ट की थी, उस पर हमें जॉफ्रे आर्चर प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं। और दोस्तों काफी सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब जॉफ्रे आर्चर क्रिकेट में वापसी करेंगे, यानी कि फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर आईपीएल हो, जब भी जॉफ्रे आर्चर वापसी करेंगे तो हमें जॉफ्रे आर्चर की गति में परिवर्तन होते हुए दिखने वाला है। जहां दोस्तों हमें जॉफ्रे आर्चर जो कि 145 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए नजर आते थे, वो हमें मात्र 135 या फिर 130 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए दिखने वाले हैं, ऐसा कई क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है। वैसे आपके अकॉर्डिंग दोस्तों एमआई की टीम को जॉफ्रे आर्चर को रहने देना चाहिए अपनी टीम में या फिर अपनी टीम से रिलीज कर देना चाहिए, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अभी तक के दोस्तों कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि जॉफ्रे आर्चर आईपीएल 2023 का सीजन खेलेंगे या फिर नहीं। एमआई की टीम हालांकि पूछने वाली है, जॉफ्रे आर्चर से फाइनल कॉल करने वाली है एमआई की टीम मिनी ऑक्शन से पहले, हमें फाइनल कॉल करते हुए एमआई की टीम दिखने वाली है जॉफ्रे आर्चर को, और इस पर कंफर्मेशन लेने वाली है एमआई की टीम के आईपीएल 2023 के सीजन के लिए अवेलेबल रहेंगे या फिर नहीं। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी और आखिरी बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर टीम डेविड की तरफ से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों टीम डेविड आईपीएल से पहले अभी सीपीएल खेल रहे हैं, और हालांकि आईपीएल से पहले काफी सारी लीग हमें खेलते हुए टीम डेविड दिखने वाले, और ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमें वर्ल्ड कप भी खेलते हुए दिखने वाले, T20 वर्ल्ड कप भी हमें टीम डेविड खेलते हुए दिखने वाले। और दोस्तों टीम डेविड के लिए और एमआई की टीम के फैंस के लिए काफी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि टीम डेविड सीपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और जो कल मैच हुआ सीपीएल में, माफ कीजिएगा जो परसों मैच हुआ सीपीएल के अंदर, उसमें भी टीम डेविड काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। जहां दोस्तों टीम डेविड ने अपनी टीम को एक बार फिर से हारा हुआ मैच जितवाया, तो टीम डेविड के लिए काफी अच्छी खुशखबरी रहने वाली, और एमआई की टीम के फैंस के लिए भी, क्योंकि एमआई की टीम का जो मेन खिलाड़ी रहने वाला है आईपीएल 2023 के सीजन में, वह अभी काफी अच्छा प्रदर्शन दुनिया भर की लीग्स में कर रहा है। तो दोस्तों ये काफी बड़े अपडेट एमआई की टीम की ओर से निकल कर आ रहे थे एमआई की टीम के खिलाड़ियों को लेकर। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आओ तो वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।